हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया, मज़े में, फर्स्ट क्लास। कैसे चल रहा है? सब ठीक है? नाइट में इसलिए मैंने मतलब वीडियो बनाता हूँ। कोई बंदा पूछ रहा था मुझे, यार नाइट में वीडियो बना रहे हो आप? यार क्या करूँ, बस हो जाता है ऐसे। यार नाइट में वीडियो बनाता हूँ मैं, मुश्किल नहीं है। और जो जैसे टाइम मिलता है, अगर दिन में टाइम मिलता है तो दिन में बनाता हूँ, रात में टाइम मिलता है रात में बनाता हूँ। ऐसा जैसे भी है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मुझे जब जब कोई बंदा अगर मेरे तरफ से अगर जॉब मिल रही है, मतलब जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उससे अगर जॉब मिल रही है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे पास करता है कि यार थैंक यू, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो हमेशा मेरे वीडियो को जो है ना। और मैं कोई प्रोफेशनल बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, नॉर्मल बंदा हूँ जो वीडियोज़ बनाता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। अगर वीडियोस काफ़ी लोगों के लिए पहुंच काफ़ी लोगों के पास पहुंचेगी, इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, तो उतने ज़्यादा जो है ना कस्टमर्स या फिर उतने ज़्यादा जो लोग हैं इस जगह पे पहुंचेंगे। जितने लोग पहुंचेंगे उतना मेरे लिए भी अच्छा है, आप लोगों के लिए भी अच्छा है। ठीक है, मेरे लिए मुझे बस खुशी है और आप लोगों के लिए आपकी लाइफ है। ठीक है, तो हमेशा वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और आज के जो टॉपिक है मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ वो सिंपल है। अपना जॉब्स हैं काफ़ी सारे, होटल हैं, अल बैत होटल शारजा के अंदर। ठीक है, ये शारजा एक दुबई का ही, मतलब अपना दुबई से थोड़ा दूर है, ज़्यादा नहीं कह सकते हो। अगर वहाँ पे जाना है तो यहाँ पे जो है ना एमिरेट्स कार्ड बना के आप वहाँ पे सीधा, मतलब एमिरेट्स आईडी तो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी, आपने यहाँ पे एक मेट्रो कार्ड होता है। मेट्रो कार्ड जो है ना वो आपने जैसे ही आप दुबई के अंदर आते हो, यूएई के अंदर आते हो, एक मेट्रो कार्ड होता है, मेट्रो कार्ड बना लो, फिर आपने जो है ना जहाँ पे भी जाना है वो मेट्रो कार्ड पंच करो, उसके अंदर पैसे डालो, पंच करो, जाओ। यहाँ पे कोई भी पैसे, आपके हार्ड पैसे कोई भी नहीं लेगा। ठीक है, तो मोस्टली शॉप्स के अंदर भी वैसे हार्ड पैसे दे सकते हो, लेकिन कहीं ट्रैवल करना है तो आप टैक्सी के अंदर हार्ड पैसे दे सकते हो, लेकिन अगर मेट्रो में जाना है या फिर बस में जाना है तो आपका कोई एक रुपये भी नहीं लेगा। तो अगर विजिट वीज़ा में है तो विजिट वीज़ा अपना साथ में रखना, अगर यहाँ पे लोकल ऑलरेडी है तो अपना एमिरेट्स आईडी अपने साथ में रखना। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होता तो भैया फ़ाइन लगेगा, फिर फ़ाइन लगने के बाद ये नहीं बोलना कि मुझे फ़ाइन लग गया यार, आपने ये बताया नहीं था। ठीक है, तो चलें, ये होता है, ये होते रहता है सिस्टम। तो फिर आज वैकेंसीज कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। अल बैत होटल है शारजा के अंदर, ये है अपना हाउसकीपिंग अटेंडेंट फीमेल चाहिए, एग्जीक्यूटिव शेफ इन चार्ज चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव चाहिए, F&B सुपरवाइज़र और टीम लीडर चाहिए, फीमेल में है, मेल में नहीं, मेल वाला अप्लाई नहीं कर देना उसके अंदर। और बरिस्ता सर्वर चाहिए, बरिस्ता और सर्वर एक ही बात है। और दूसरी बात यह है, लास्ट जो है वो गेस्ट सर्विस एजेंट है, चाइनीज़ स्पीकिंग, इसमें चाइनीज़ स्पीकिंग चाहिए यार। तो देख लेना, ऐसे डायरेक्ट मुझे चाइनीज़ आती है बोल के अप्लाई नहीं कर देना। अगर आप लोगों को आती है डेफिनेटली तो अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बता देता हूँ। इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड टू हैव एटलीस्ट हाई स्कूल और ग्रेजुएशन डिग्री, अगर जिसके पास हाई स्कूल है वो भी अप्लाई कर सकता है इसके लिए, और जिसके पास डिग्री है ग्रेजुएशन की वो भी अप्लाई कर सकता है। और दूसरी बात यह है, हावेवर डिग्री वुड बी कंसिडर डिपेंडिंग अपॉन पोजिशन, जो पोजिशन होगी उसके हिसाब से ही वो डिग्री कंसिडर करी जाएगी, वरना हाई स्कूल का ही आपका सर्टिफिकेट चल जाएगा। हैविंग 1 to 2 ईयर्स ऑफ रिलीवेंट एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड 5-स्टार होटल और लग्जरी रिसोर्ट विद इन द UAE, ये थोड़ा एडवांटेज हो जाएगा अगर आप कोई होटल्स में ऑलरेडी काम कर चुके हो या फिर करेंगे, मतलब 5-स्टार या लग्जरी होटल में अगर काम करो। ऑल कैंडिडेट मस्ट बी इनसाइड द UAE विल ओनली बी गिवन प्रायोरिटी, जो बंदा यहाँ पे UAE के अंदर है उसको जल्द से जल्द प्रायोरिटी देंगे ये लोग। ठीक है, इन्होंने ये बताया हुआ है। विलिंग टू स्टार्ट वर्क इमिडिएटली, जो बंदा यहाँ पे है और काम तुरंत से तुरंत करना चाहता है, ठीक है, आज अगर वो कहता है तो आज ही वो ज्वाइन होना चाहता है, तो ये इसके लिए, ये अप्लाई करने के लिए आप जो है ना CV इसके अंदर डाल दो। ईमेल एड्रेस जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उस डिस्क्रिप्शन में जाओ, ईमेल एड्रेस के अंदर सीधा अपनी CV जो है ना उसके अंदर डाल के पेस्ट कर दो, CV उनको भेज दो। भेजने के बाद, और जब आप CV भेज रहे हो तो ईमेल आपने जो है ना छोटा से छोटा लिखना है, कोई बहुत ज़्यादा सर मैडम ये वो फलाना ढमकाना नहीं लिखना है, बिल्कुल सिंपल एंड स्वीट ईमेल लिखना है। ईमेल लिख के अपने कवर लेटर आपने डाल देना है और CV डाल देना है, ये दो मेन चीज़ें हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं स्कैन कॉपी तो स्कैन कॉपी चढ़ा दो, डाल जाने दो। ठीक है, तो उससे आपको ये फ़ायदा है कि वो तुरंत आपको हायरिंग कर लेगी, आपने डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट करते हो तो हायरिंग भी बहुत फास्ट होती है। ठीक है, फिर इतना आपने जो है ना मेनली करना है। ओके, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमेशा मेरे साथ बने रहो। तब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज़, गुड नाइट, शबा खैर।